नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि वर्डप्रेस जो वेबसाइट बनाया जाता है वर्डप्रेस के थ्रू, जो कि एक सीएमएस पोर्टल है, तो उसके थ्रू हम लोग कैसे वेबसाइट बनाते हैं और उसे हम ऑफलाइन यूज कैसे कर सकते हैं। मैंने ऑनलाइन यूज करने के तरीकों के बारे में पहले भी वीडियो डाल रखा हुआ है, तो आप जाके उन्हें देख लें अगर आपको ऑनलाइन बनाने में इंटरेस्ट है। तो अगर आपके पास डेटा की कमी होती है, किसी वजह से आपके पास नेटवर्क नहीं रहता है और आप वर्डप्रेस को सीखने में असमर्थ होते हैं, तो मैं ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन लोगों को हर वक्त नेट की कमी रहती है। तो खास करके चलिए उन लोगों के लिए मैं आप बताना चाहूँगा कि उनके लिए एक सॉफ्टवेयर आता है एग्जाम। इस सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से, मैं आपको लिंक दिखा देता हूँ। ये सॉफ्टवेयर आपको 200 से 250 एमबी के आसपास में मिल जाएगा। आपको गूगल पे जाना होगा और यहाँ सर्च करना है आपको एग्जाम XAMP। ये आपको नीचे जो दिख रहा है एग्जाम, ये सर्वर है, ये लोकल सर्वर होता है दोस्तों, जो कि आपके सिस्टम को ऑफलाइन मोड में एक्सेस देता है रन करने को Apache सर्वर और बाकी सारे सर्वर को, जिसके थ्रू आपके वर्डप्रेस की वेबसाइट रन करेंगी लोकल होस्ट पे। तो यहाँ से आप दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं इसके सॉफ्टवेयर को, लोकल होस्ट एग्जाम को। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक हियर टू डाउनलोड, तो जो भी आपका वर्जन हो यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और बाकी का इंस्टॉलेशन कैसे होता है मैं वो आपको अभी दिखा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसे इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको यहाँ पे आना होगा। मैंने ये डाउनलोड कर रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं 32 बिट है मेरा, तो मैंने 32 बिट किया हुआ है और मैं इसे रन कर रहा हूँ दोस्तों। इसे इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आप अपने सिस्टम पे ऑफलाइन मोड में वर्डप्रेस की वेबसाइट रन कर सकते हैं। साथ ही साथ जितने भी सीएमएस पोर्टल आते हैं, ड्रूपल हो गया, ओएस कमर्स हो गया, एजेंट हो गया, तो ये सारी वेबसाइटें आप जो भी ऑनलाइन यूज होती हैं सीएमएस पोर्टल के थ्रू, उनको आप ऑफलाइन में यूज कर सकते हैं, उनके डेटाबेस को ऑफलाइन में हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ऑफलाइन, क्योंकि ऑनलाइन हर चीज़ पॉसिबल नहीं होती है स्पीड कभी कभी स्लो हो जाने के कारण, तो ये ऑफलाइन में बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो चलिए, इस इंस्टॉलेशन के लिए आया मेरे पास सेटअप, मैं यहाँ पे इन सारे ऑप्शंस को चेक कर दूंगा और यहाँ पे नेक्स्ट रखूँगा और ये मेरा सी डायरेक्टरी में इंस्टॉल होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ड्रूपल है, वर्डप्रेस है, यहाँ पे मैं इन्हें नेक्स्ट करता हूँ। ये इनका कंपनी का वेबसाइट है, मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और यहाँ पे आप इंस्टॉलेशन के लिए रेडी हैं। तो चलिए दोस्तों, जब तक इंस्टॉलेशन हो जाती है तब तक हम यहाँ पे वेट करते हैं। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आप मिलेगा, विंडोज फायरवॉल हैज ब्लॉक्ड फॉर सम फीचर्स ऑफ दिस ऐप। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको इसे अलाउ एक्सेस पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे अलाउ एक्सेस पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन मेरा कम्प्लीट। तो चलिए दोस्तों, जब तक कंप्लीट हो जाता है तो मैं एक और आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे वर्डप्रेस की फाइल डाउनलोड करनी होगी जिसे आपको ऑफलाइन में यूज करना है। उसे डाउनलोड करने के लिए आपको जाना होगा wordpress.org पे जाना होगा, .org जो कि वर्डप्रेस की अपनी वेबसाइट है जहाँ पे प्लगइन्स थीम वर्डप्रेस अपना पब्लिश करता है और डेवलपर्स वहाँ पे भी पब्लिश करते हैं। तो चलिए, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ wordpress.org पे। आपको अगर थीम्स प्लगइन कुछ भी चाहिए तो आप यहां से डाउनलोड करके उन्हें वर्डप्रेस की वेबसाइट में यूज कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो अभी फ़िलहाल मुझे वर्डप्रेस डाउनलोड करना है, तो आप यहां पे देख सकते हैं वर्डप्रेस की डाउनलोड लिंक मुझे दी गई है, तो मैं यहां पे क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद आपके पास यहां पे टायर फॉर्मेट में और जिप फॉर्मेट में आपको वर्डप्रेस की फाइल मिलती है, तो मैं इसे जिप वाले को डाउनलोड करूँगा। यहाँ पर मैं इसे डाउनलोड करता हूँ और यहाँ पे मैं चेक कर लूँ कि ये कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कंप्लीट हो चुका है इंस्टॉलेशन, ठीक है। अब इसे रन कैसे करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको जाना है सर्च में, सर्च में जाने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है XAMPP। XAMPP लिखने के बाद आपको यहाँ पर यह कंट्रोल पैनल करके इसका ऑप्शन मिल जाता है, आप इस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद सबसे पहले ये आपसे पूछेगा कि आप कौन से लैंग्वेज सेट करना चाहते हो, तो मैं यहाँ इंग्लिश ये चूज कर लेता हूँ ये मैप के हिसाब से, और यहाँ पे मेरा डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज जो है अब इंग्लिश हो चुका है। तो
अब इसका सेटअप जो हमारे सामने खुल के आएगा ये, तो यहाँ पे मुझे दो सर्वर ऑन करने होंगे। दोस्तों ये ध्यान देने वाली बात है, आपको यहाँ पे ओनली टू सर्वर्स ऑन करने हैं, Apache सर्वर और MySQL सर्वर, ठीक है। FileZilla क्या होता है मैं इसके बारे में आगे बताऊँगा, ये दो तीन जो ऑप्शन है मैं इनके बारे में आगे आपको बताऊँगा। अभी हमें फ़िलहाल WordPress पे काम करने के लिए ये दो सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए मैं इन दोनों को स्टार्ट कर लूँगा। अगर स्टार्ट करने में इन्हें कुछ प्रॉब्लम होती है आपको, तो यहाँ पे इनका जो कलर है ये रेड कलर में आ जाएगा। चलिए कुछ भी ऑप्शन आता है यहाँ पे अगर फायरवॉल से रिलेटेड, तो आप उन सारे ऑप्शन को यहाँ पे अलाउ कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप अलाउ नहीं करते हैं तो आपके सर्वर रन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे दोनों सर्वर जो हैं ग्रीन हो चुके हैं, इट मीन्स ये ऑनलाइन हो चुके हैं पोर्ट नंबर इतने पे। अगर आपका सिस्टम इन पोर्ट को बिजी रख रहा है किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को चलाने में, तो ये सर्वर काम नहीं करेंगे, ये रेड कलर के हो जाएंगे और ये स्टार्ट नहीं हो पाएंगे। तो देन आपको पोर्ट चेंज करना होता है, इनके लिए पोर्ट अलग से कॉन्फ़िगर करना होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ऐसी प्रॉब्लम आपको ना हो, अगर होती है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसके लिए एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो चलिए ये दोनों सर्वर मेरे पास ऑनलाइन हो चुके हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि मुझे नेट की यहाँ पे, जैसे मैं अभी नेट से कनेक्टेड हूँ, तो मुझे नेट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब ये मेरे पास ऑफलाइन में ये दोनों सर्वर ऑन हो गए हैं, ठीक है। लोकल होस्ट के बारे में मैं बताते चलूँ कि लोकल होस्ट होता क्या है। तो लोकल होस्ट दोस्तों एक ऐसा आईपी एड्रेस होता है जिसे आप ऑफलाइन में एक्सेस कर सकते हैं ब्राउजर में, ठीक है। लोकल होस्ट इसलिए बनाया गया है कि कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी ट्रबल शूट वगैरह होता है तो आप उसे ऑफलाइन, एक आईपी लोकल होस्ट का होता है वो आप उससे एक्सेस करके वहाँ से कर सकते हैं। तो लोकल होस्ट दोस्तों प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छी आईपी एड्रेस होती है जिसे विंडोज़ ने दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मेरा ये वर्डप्रेस का फाइल जो था वो भी डाउनलोड हो चुका है। मैं डाउनलोड्स की पेज पे जाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्डप्रेस का जो अभी का लेटेस्ट वर्जन है 4.9 वो डाउनलोड हो चुका है। तो चलिए मैं इस फोल्डर को खोल लेता हूँ। यहाँ पे खोलने के बाद मैं इसे कट करके बाहर ला लेता हूँ। यहाँ पे मैं वर्डप्रेस की फाइल को लेके आ गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस फाइल को अनजिप करने वाला हूँ। तो ये फाइल जब तक अनजिप हो जाती है दोस्तों, तो मैं आपको लोकल होस्ट के बारे में बता रहा था। तो लोकल होस्ट नॉर्मली वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए ऑफलाइन में बनाई गई है और कंप्यूटर से रिलेटेड आईपी पिंग करना होता है तो उस पर काम किया जाता है। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्डप्रेस जो मेरा है ये फोल्डर एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसे खोलना है और इसके अंदर जो वर्डप्रेस लिखा हुआ है इस फोल्डर को मुझे कट कर लेना है। कंट्रोल एक्स से मैंने कट कर लिया। और मुझे क्या करना है, अब माई कंप्यूटर में जाना है और सी ड्राइव में जाना है। मैंने एग्जाम का इंस्टॉलेशन सी ड्राइव में किया था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो एग्जाम लिखा हुआ है ये मेरे एग्जाम का डायरेक्टरी हो गया जहाँ पे मैंने एग्जाम को इंस्टॉल किया है। तो मैं इसे खोलूँगा। खोलने के बाद आपको एच टी डॉक्स, ये ध्यान देना है दोस्तों, एच टी डॉक्स इस फोल्डर में जाना है और यहीं पर आपको वर्डप्रेस का जो फाइल आपने कट किया है उसे पेस्ट कर देना है। तो चलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया वर्डप्रेस की फाइल को और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि वर्डप्रेस के सारे जो फाइल होते हैं पीएचपी कोडिंग के लिए वो सारे फाइल यहाँ पे हैं। तो ये अब हो गया, मुझे वर्डप्रेस की फाइल को यहाँ पे डालना था। अगर यही काम आप जुमला या कुछ और ड्रूपल के साथ करते हैं जो कि CMS पोर्टल हैं, तो उन्हें भी आपको यहाँ पे लाके रखना होगा, फिर इनसे रिलेटेड उनका डाटाबेस बना के आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं ऑफलाइन में। तो वो बातें मैं आगे बताऊँगा, अभी आप वर्डप्रेस पे कॉन्फ़िगर कीजिए। तो यहाँ पे वर्डप्रेस मैंने रख दिया है, ठीक है, इसे कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना है। ध्यान देना होगा कि इस फोल्डर का नाम आपको वर्डप्रेस ही रखना है क्योंकि आगे मैं इसी नाम से डेटाबेस बनाऊंगा। अगर आप यहाँ जो नाम रखते हैं उस नाम से डेटाबेस बनाओ, तो अभी फ़िलहाल के लिए इसे वर्डप्रेस के नाम से ही रहने दें। और अब क्या करना है दोस्तों मैं ये आपको बताता हूँ। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे नेट को डिसकनेक्ट करके पहले दिखा दूँ कि ऑफलाइन में ये चलता है। तो चलिए यहाँ पे मैं किसी भी नेट से यहाँ पे कनेक्ट नहीं हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं ये कोई भी नेट यहाँ पे कनेक्ट नहीं है। तो चलिए मैं ब्राउज़र में जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे लोकल होस्ट और इंटर करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं इसे क्लोज कर दूँ, ये लोकल होस्ट खुल चुका है। मैं नेट से यहाँ कनेक्टेड नहीं हूँ, फिर भी लोकल होस्ट एक्सेस हो रहा है मेरा। और यहाँ पे आने के बाद आपको अब करना क्या है मैं ये बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप आने के बाद आप आ जाइए यहाँ पे PHP MyAdmin पे, ठीक है।
अब यहाँ आके हम डेटाबेस बनाएंगे अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट के लिए। तो आप देख सकते हैं PHP माई एडमिन का ये डेटाबेस का पेज खुल चुका है, जहाँ पे आपको यहाँ पे मल्टीपल डेटाबेस दिख रहे हैं जो पहले से इनबिल्ट हैं इसमें। तो मुझे एक नया डेटाबेस बनाना होगा वर्डप्रेस जो हम जिस पे काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू जो आपको ऑप्शन दिख रहा है इस पे क्लिक करना होगा। तो मैंने न्यू पे क्लिक किया और यहाँ पे डेटाबेस का नाम मुझे देना होगा। तो नॉर्मली मैं डेटाबेस का नाम दूंगा वर्डप्रेस, ठीक है, और क्रिएट कर दूंगा। यहाँ आप देख सकते हैं डेटाबेस हैज़ बीन क्रिएटेड और यहाँ लिस्ट में डेटाबेस का नाम यह आ चुका है। तो चलिए अब मैं इसे एक्सेस करता हूँ। तो इस एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ लिखना होगा लोकल होस्ट स्लैश वर्ड प्रेस। ये वर्ड प्रेस दोस्तों जिस फोल्डर का मैंने नाम दिया था उस नाम से कॉल करना होगा। अगर वहाँ पे वर्ड प्रेस के अलावा आपने कुछ और नाम दिया है तो यहाँ पे उसका नाम देना होगा। चलिए मैं इंटर करता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने इंटर किया तो यहाँ पे वर्ड प्रेस का इंस्टॉलेशन पेज आ चुका है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ इंस्टॉलेशन। मैं यहाँ लेट्स गो पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मुझसे डेटाबेस का नाम पूछा जा रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे वर्डप्रेस है, तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस का ही डेटाबेस बनाया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए यूज़र नेम की बात कर लेते हैं। तो यूज़र नेम यहाँ पे यूज़र नेम लिखा हुआ है, पासवर्ड यहाँ पे ये है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ यूज़र नेम रूट और पासवर्ड को मैं रखता हूँ ब्लैंक। ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि आपको यूज़र नेम को रूट लिखना है, पासवर्ड को ब्लैंक छोड़ना है, ठीक है। डेटाबेस होस्ट आपका लोकल होस्ट ही रहेगा और बाकी के सारे फील्ड्स वैसे ही रहेंगे। अगर आपने डेटाबेस किसी और नाम से बनाया तो वो बस आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं सबमिट में क्लिक करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑल राइट स्पार्की और यहाँ पे रन द इंस्टॉलेशन। तो ये मेरा फाइनल स्टेज है। अब मैं रन करता हूँ इंस्टॉलेशन को और ये ऑटोमेटिक वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन ये हो गया। अब यहाँ पे आपको वेबसाइट की टाइटल पूछ रहा है कि किस नाम से आपको वेबसाइट बनानी है। तो मैं यहाँ पे अपने चैनल का नाम देता हूँ, ठीक है। यूजर नेम आप यहाँ पे जो भी सेट करते हैं उसी से आपको लॉगिन करना होगा अपने साइट में हर बार जब आप कुछ मॉडिफाई करना चाहते होंगे अपने वेबसाइट में। तो नॉर्मली मैं एडमिन ले लेता हूँ और पासवर्ड के तौर पे मैं यहाँ पे 1234@1234 मैं ये ले लेता हूँ। सॉरी, यहाँ पे @ मुझे यूज करना है @1234। तो आपको जो भी अच्छा लगे पासवर्ड आप सेट कर लीजिए जिसे आप याद रख सकें। यहाँ कंफर्म विक कर देते हैं। यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस आपको चाहिए तो मैं अपना ईमेल एड्रेस दे देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे ईमेल देने के बाद अब मुझे यहाँ नीचे आना है और यहाँ पे इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करना है। ये वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन अभी हो रहा है बैकग्राउंड में, ठीक है। तो वेट कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन जो हो चुका है सक्सेस हो चुका है। आपको पासवर्ड सेव करने के लिए पूछा जा रहा है, मैं सेव कर लेता हूँ। और यहाँ पे आपको पासवर्ड नहीं दिखाया जा रहा क्योंकि ये सिक्योरिटी रीजन है, पासवर्ड दिखाया नहीं जा सकता। तो मैं लॉगिन करता हूँ अपने साइट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साइट का लॉगिन पैनल आ चुका है मेरे। यहाँ पे एडमिन और पासवर्ड जो मैंने डाला था वो फिल हो चुका है। मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैं साइट में लॉगिन कर चुका हूँ। तो यहाँ पे अब कैसे कुछ करना है काम मैंने पिछले भी वीडियोस में बताया हुआ है, मैं फिर से बताने वाला हूँ क्योंकि ये लोकल होस्ट पे काम करने के तरीके होंगे। तो चलिए दोस्तों, अगले ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आपको कैसे काम करना है। तो ये मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है लोकल होस्ट पे, अरे और यहाँ पे सारी जो चीज़ें मैं वहाँ ऑनलाइन में करता था वो चीज़ें यहाँ पे ऑफलाइन होंगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं।